कस्ते गंगा प्रवहति देवोपि संस्कृतं कथयति। मित्राणी नमः, संस्कृत है संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज फिर गीता के इस दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान कृष्ण ने एक बात कही, अर्जुन ने पूछा था कि स्थिर बुद्धि किसकी होती है, परमात्मा में समाधि में किसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान केशव भगवान ने एक फिर से सुंदर सी बात बताई, इंद्रियों की चर्चा कर रहे थे कि जिसकी इंद्रियां विषयों से अलग हो। तो भगवान ने महाबाहु संबोधन किया अर्जुन के लिए और कहा कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, इसको थोड़ा अलग कर लो, तस्मात्यस्य, यस्य माने जिसकी, तस्मात् माने इसलिए, महाबाहो, महाबाहो संबोधन है, महाबाहु शब्द अर्जुन के लिए कहा और महाबाहु संबोधन किया कि हे महाबाहु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा हे महान बाहु, अर्थात हे ताकतवर, हे महान बाहुओं वाले, ऐसा है, निगृहीतानि सर्वशः तस्मात् यस्य, तो यस्य पुरुषस्य, यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष की सर्वशः माने सभी तरफ से निगृहीतानि, निगृहित हो गई हैं, कंट्रोल कर लिया गया है, निग्रहण कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, किसको, तो नीचे लिखा इंद्रियाणि, इंद्रियों को किससे पकड़ लिया गया, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय के विषयों से, इंद्रिय के अर्थों से, समझना इसको, चक्षुर इंद्रिय है और देखना इसका इंद्रियार्थ है, अर्थ माने इसका विषय है, ये कर्णेन्द्रिय है, श्रोत्रेन्द्रिय है, सुनने की वाली इंद्रिय है और सुनना इसका अर्थ है, अर्थ यानी विषय है। तो इंद्रियां, यहां देखना, इंद्रियां यदि अपने इंद्रियार्थों से, यस माने जिस पुरुष की इंद्रियाणि माने इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रिय के भोगों से, इंद्रिय के अर्थों से, सर्वशः निगृहीतानि, अच्छी तरह से सब ओर से निगृहित कर ली जाए, पकड़ ली जाए, कंट्रोल कर ली जाए, नियंत्रण कर ली जाए, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यस्य, यहां से समझना, यस्य और तस्य, दो शब्द आप देखिए संस्कृत में, यस्य माने जिसकी और तस्य माने उसकी, यस्य ऐसा 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 है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाएगी हे महाबाहु। अब देखना, इसीलिए जो पीछे के श्लोक में कहा ना, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवांभसि, इस श्लोक को आपने पीछे पढ़ा कि जैसे इंद्रियां अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं और हर इंद्रियां अपने विषयों का भोग करने के लिए अपने साथ मन को जोड़ लेती हैं, और जिस इंद्री के साथ मन जुड़ जाता है वह इंद्री उस विषय का भोग बड़े तगड़े से, बहुत तेजी से करती है, और फिर उधर से वापस आना उस इंद्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो व्यक्ति उसी प्रकार से खाली नाव की तरह होता है कि हवा जहां चाहे वहां लेकर के चली जाए, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है वो उस नाव की तरह है कि भैया हवा जिधर चले उधर ही नाव डहर जाए, उधर ही नाव बह जाए। तस्मात, फिर पीछे के श्लोक से इसको पढ़ना, तस्मात इसलिए यस्य, जिसकी इंद्रियाणि, इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय रूपी भोगों से, सर्वशः माने पूरी तरह से निगृहीतानि, निग्रहण, निगृहित कर ली गई हो, इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से रोक लिया गया हो, निगृहीतानि समझ गए, निग्रह कर ली गई हो, सब प्रकार से, सर्वशः माने सभी ओर से, सब प्रकार से इंद्रियां, इंद्रियों के विषयों से सर्वशः निगृहीतानि, सभी प्रकार से निग्रह कर लिया गया हो, तस्य माने उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा परमात्मा में प्रतिष्ठित मानी जाएगी, समझ गए। तस्माद्यस्य महाबाहो, महाबाहु अर्जुन के लिए है,
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समझिएगा, तस्मात् इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन के लिए है। महान बाहु कौन? अर्जुन। हे महाबाहो, यस्य माने जिस पुरुष की, इंद्रियाणि माने इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रिय रूपी अर्थों से, सर्वशः माने हर तरफ से, निगृहीतानि निग्रह कर ली गई हैं, रोक ली गई हैं, इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से जिसने रोक लिया है, जिसकी इंद्रियां रुक गई हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने इंद्रियों को इंद्रिय के अपने उन उन विषयों से, जैसे चक्षुरिंद्री, इंद्रियां को जो आप चाहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा का को ही देखे, सिर्फ परमात्मा चिंतन करने लगे, सुनने में आप सिर्फ परमात्मा का कीर्तन और भजन सुनने लगे, खाने में आप जो सात्विक भोजन हो, जीने के लिए जो आवश्यक है वही खाएं, गोलगप्पा देख करके आप मन आपका ना ललचाए, चाट देखकर चाटने का मन ना करे, चाउमीन और बर्गर देख करके आपकी जिह्वा ललचाने ना लगे, तो इसका मतलब आपने अपनी जिह्वेंद्री को इंद्रिय के विषय जो है, जहां जहां चाट देखे वहां वहां चाटने का मन करने लगता है। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा आपने निग्रहण कर लिया है अपनी चक्षुरिंद्री को, अपनी त्वगेंद्री को, अपनी श्रवणेंद्री को, अपनी जिह्वेंद्री को, अपनी रसनेंद्री को, सभी इंद्रियों को यदि अपने वश में कर लिया गया, तस्य माने उसकी, फिर नीचे उतर आना, तस्य माने उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने परमात्मा में प्रतिष्ठित है हे महानुभाव, ऐसा आपको समझना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा किससे? अर्जुन से। और मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि इस श्लोक के द्वारा आप भी देखें कि जब आप पढ़ रहे हैं, किताब खोले हैं, उसी समय आपको यदि व्हाट्सएप देखने का मन करने लगा या आपको फेसबुक देखने का मन करने लगा, इसका मतलब चक्षुरिंद्री और श्रवणेंद्री दोनों आपके वश में नहीं। भाई आपको कोई पिक्चर देखने का मन करने लगा, पिक्चर देखना बुरा नहीं है, पर जिस समय आपको पढ़ना है उस समय आप फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये बुरा है। जो गाना सुनना बुरा नहीं है, जब आप मस्ती के मूड में हो उस समय गाने सुने, पर जब हमारा कैरियर है, जब हमें पढ़ना चाहिए, हमारे सर में परीक्षा है, हमको पास होना है, उत्तीर्ण होना है, सफल होना है, उस समय यदि आप सिर्फ कॉमेडी की वीडियोस देख रहे हैं जिनका आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में कोई रोल नहीं अदा हो रहा है, कोई रोल नहीं उन वीडियोज का, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी श्रवणेंद्रिय आपके वश में नहीं। आप राह चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और आपकी नासिका में सुगंध चली गई कि ओह क्या चाट है, अरे रुकते हैं थोड़ा सा चाट खा के चलते हैं। अरे भाई ये सागर है, तो आप जहां से चल रहे हो तो कहीं पर अंडा देख करके आपको अंडा खाने का मन करने लगा, मुर्गा देख के मुर्गा खाने का मन करने लगा, चाट चाउमीन बर्गर देख करके आप उसको खाने का मन करने लगा, इसका मतलब आपकी घ्राणेन्द्रिय ने जो सूंघा, उस सूंघने की जो महक थी, सुगंध थी, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाए, और उस रस आपकी ये जो इंद्रिय नासिका, घ्राणेन्द्रिय जिसको कहते हैं, घ्राणेन्द्रिय ने सूंघा और कहा कि महक अच्छी है, चाट खाया जा सकता है, फुल्की दो चार ली जा सकती है, थोड़ा सा भैया खट्टा पानी और दे देना, थोड़ा सा पानी दे दो फ्री में पीने के लिए, फुल्की वाला, ऐसा मैंने सुना फुल्की की दुकान में खड़े होकर के फ्री पानी पीने का। इसका मतलब ना तुम्हारी रसनेन्द्रिय में, माने जीवा से चाट खाने का मन करने लगा, और घ्राणेन्द्रिय ने चाट खाओ ऐसी सुगंध से सूचना दे दी, ना आपकी चक्षुरिंद्री आपके वश में है, ना आपकी कर्णेन्द्रिय आपके वश में है जिसको श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं, ना आपकी घ्राणेन्द्रिय आपके वश में है, जो भी सुगंध चली गई आप उसी के पीछे भागने लगे, ना जिह्वेन्द्रिय आपके वश में है, ना त्वगेन्द्रिय आपके वश में है, किसी ने आपको धीरे से छुआ तो आप सनसनाने लगे, अरे राम रे, एकदम सनसनाहट हो गई, बिजली का करंट लग गया आपको, इसका मतलब आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है। यह श्लोक उनके लिए है, जब अर्जुन ने यह पूछा कि भाई हे केशव, ये बताइए
कि कैसे हम जानेंगे कि कौन स्थिर बुद्धि वाला साधक है, उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेतो किमासी तब ब्रजेत किम। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया कि कौन स्थित धी ही कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधिस्थ कौन है, परमात्मा का चिंतन कौन करता है, समाधिगत। देखिए समाधि सिर्फ गुफा में बैठ करके आंख बंद कर लेना समाधि नहीं है भाई साहब। मुनि बनना इतना आसान नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुनि बने तो आप बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाएं ही रखाएं। मुनि ज्ञानी ऋषि बनने के लिए आपको दाढ़ी जटा की कोई जरूरत नहीं मेरी दृष्टि में। जो मनन करे वो मुनि है, जो मनन करे वो मुनि है। और मुनि क्या मनन करते हैं, ना आपने अपना मनन, ना अपनी अपने चक्षुरिंद्री पर आपने कभी मनन किया कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मैं देखूंगा, मैं वही सुनूंगा जो मेरे कैरियर के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। यदि आप परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं इस जीवन में, तो भाई साहब वही आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए, वही परम लक्ष्य होना चाहिए, उसके अगल बगल की चीजें सब बेकार है। अब आप ठहरे विद्यार्थी, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, तो आपके विद्यार्थी होने के लिए आपका परमात्मा, मैं बताता हूं कि भाई आपका परमात्मा ज्ञान है, ज्ञान ही आपका परमात्मा है, विद्या ही आपकी परमात्मा है, कैरियर ही आपका परमात्मा है। तो आप देखिए जिस चीजों से आपका कैरियर बनता है, सिर्फ वही वीडियोस देखी जाए, सिर्फ वही बातें सुनी जाए जो आपके कैरियर को आगे ले जाती हो, सिर्फ वही चीजें खाई जाए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, सिर्फ वही सूंघा जाए, सिर्फ वही छुआ जाए, सिर्फ वही जाया जाए, सिर्फ वही बोला जाए, सिर्फ वही देखा जाए, सिर्फ वही सुना जाए जो आपको परमात्मा की ओर ले जाती। मैं आपको बताता हूँ आपका परमात्मा आपका यदि कैरियर है तो, और यदि आप सचमुच ऋषि हैं मोक्ष चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दिखना चाहिए, यही आपकी स्थिर बुद्धि है। और जो भी स्थिर बुद्धि नहीं है भाई साहब, कहीं पर आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं, कल गणित पढ़ने लगे, परसों आप भूगोल पढ़ने लगे, बात विषय अच्छे बुरे की नहीं है, बात है कि आप किसमें स्थिर हो रहे हैं, किसमें आप टाइम दे रहे हैं, किसको किसमें आप अपनी इंद्रियों को मन के साथ लगा रहे हैं। इंद्रियों को मन के साथ लगाने की बात मैं कर रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा भाई साहब कि तस्मात, इसलिए भगवान ने कहा इसलिए, यस माने जिस पुरुष की, हे महाबाहु जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय रूपी विषयों से सर्वसा माने सभी प्रकार से निगृहितानि निगृहित कर ली गई हैं, तस् माने उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा परमात्मा में प्रतिष्ठित है। समझ गए, एक बार श्लोक पढ़िए मेरे साथ, बोले तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो मित्रों आज के लिए गीता में इतना ही। मैं इस श्लोक से मानता हूं कि आप तक यदि कुछ बात पहुंची हो कि जो आपका परमात्मा चिंतन है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, जहां आप जाना चाहते हैं, सिर्फ आपको वही दिखना चाहिए। मैं आपको बता दूं उस कहानी को भी, जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सबने कहा पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहा है, उसकी आंख भी दिख रही है। भाई साहब अर्जुन ने एक ही जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिख रही है जो मिट्टी का पक्षी बना करके रखा गया था पेड़ में, अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख दिखी, चूंकि निशाना तो आंख पर लगाना था। यदि आपको भी अपने जीवन में सिर्फ निशाना दिख रहा है, सिर्फ लक्ष्य दिख रहा है, सिर्फ मंजिल दिख रही है, तब तो समझना आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि आपको ननियाउर भी दिख रहा है, मौसियाउर भी दिख रहा है, फोन भी दिख रहा है, व्हाट्सएप भी दिख रहा है, फेसबुक भी दिख रहा है, इंस्टाग्राम भी दिख रहा है, और रोज अपनी लाइक भी दिख रही हैं, डिसलाइक भी दिख रही हैं, कमेंट्स भी दिख रहे हैं, दिन रात आपको सारे यूट्यूबर्स दिख रहे हैं जहां आपका कैरियर जिधर नहीं ले। देखिए यदि आप अच्छे कवि हैं तो कवियों की वीडियो आपको नित्य देखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। यदि आप कॉमेडियन हैं तो हर व्यक्ति की कॉमेडी वीडियो आपको देखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और जिस कैरियर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं उसको करना ही चाहिए, उसमें देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन चाहिए, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षक हैं तो सभी शिक्षकों की वीडियोज आपको देखनी चाहिए, कौन लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं कॉमेडी वीडियो का बुरा निंदक हूं, नहीं,
सिर्फ उतना देखें जितने से आपको लगता है कि मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए। और ये मैंने देखा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के, कि एक बार वीडियो खुल गया भाई साहब तो बंद ही नहीं होता। सोचे कि सर 2 मिनट देख लेता हूँ, 5 मिनट देख लेता हूँ, 5 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो मित्रों ये श्लोक आपको सिर्फ यही बताता है, किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो बोले कि यस्य जिनकी इंद्रिय विषयों से, अपनी इंद्रियों पर जिसने सभी ओर से नियंत्रण कर लिया है। तो ये जो सर्वशः शब्द है भाई साहब, सर्वशः सभी ओर से, ये बड़ा मजेदार शब्द है। सर्वशः माने न्यूता हकार से, गर्ल से, गर्लफ्रेंड से, फोन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, दुनियादारी से, लड़ाई से, झगड़ा से, घूमने, आप समझ रहे हैं सर्वशाह का मतलब, इन सभी ओर से। इसीलिए भगवान सर्वशाह कहते, नहीं तो सर्वशाह कहने का मतलब ही क्या था। जितने आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन है, जितने आपके जीवन में डिस्टर्बेंस है, उन सभी ओर से आपको अपनी इंद्रियों को पकड़ना होगा, तभी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तभी आपकी बुद्धि एक स्थान पर लगेगी, एक लक्ष्य पर लगेगी, एक निशाने पर लगेगी। वरना तो भाई साहब हमारा भाषण देना और तुम्हारा भाषण सुनना दोनों व्यर्थ है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं, आप अच्छा उदाहरण देते हैं, हो सकता है कुछ गरिया भी सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई गई थी, मैं 5000 साल बाद ये गीता आपको सुना रहा हूँ, श्री कृष्ण के वचन है। यदि आप समझ पाए इस 2022 में तो आपको ठीक है, वरना फिर आपने भी अपना आधे घंटे का समय व्यर्थ किया और मैं तो भला कर ही रहा हूँ। यदि एक भी व्यक्ति इस गीता को सुन करके आज के इस अर्थ के साथ अपने को जोड़ लेता है कि मेरे जीवन में जितने डिस्टर्बेंस करने वाली चीजें हैं उन सबसे भगवान आपको मानो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अपने आप को अलग कर लो, तभी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि स्थिर है। बात तो ये परमात्मा में बुद्धि को स्थिर करने की कही जा रही है। और परमात्मा, यदि आपका परमात्मा, जिसको भी आप परमात्मा मान लो, वही आपका परमात्मा है। कैरियर हो, ज्ञान हो, विद्या हो, लक्ष्य हो, कॉमेडियन हो, अभिनय हो, डांस हो, नृत्य हो, जो भी। इसीलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है, आपका कर्म ही भगवान है, आपका कैरियर ही भगवान है, आपकी परमात्मा, आपका आप को जो जीवन में आपने अच्छा सोचा है अपने लिए, वही परमात्मा, उस वही परमात्मा आपको दिखना चाहिए, उसी परमात्मा में आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, उसी परमात्मा में आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो इंद्रियों को, अब इंद्रियां क्या, हमारी नेत्र इंद्रिय, हमारी श्रवण इंद्रिय, हमारी घ्राण इंद्रिय, हमारी रसना जीव इंद्रिय, जीव में कोई कंट्रोल ही नहीं है, सूंघने में कोई कंट्रोल नहीं, देखने में कोई कंट्रोल नहीं, सुनने में कोई कंट्रोल नहीं, छूने में कोई कंट्रोल नहीं, जाने में कोई कंट्रोल नहीं, बोलने में आपका कोई कंट्रोल नहीं, बोलो। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, कहीं भी चल दिए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी सोचा, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कभी भी सो गए, कभी भी जग गए, कहीं भी चल दिए, नहीं चलेगा। तस्य प्रज्ञा ना प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होती भाई साहब। क्यों, फिर से भगवान के वचन दे करके आपको छोड़ देता हूं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये महाबाहु आप हैं, ये महाबाहु तो है अर्जुन के लिए, पर ये वाला महाबाहु मैं आपके लिए कहता हूं। हे महाबाहुओं जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको आगे कुछ करना है, तो वो सब आपके लिए भगवान कह रहे हैं। हे महाबाहु, हे महाबाहुओ, यदि आप अपनी इंद्रियों को, अपने इंद्रियार्थों से, इंद्रिय विषयों से जो आपके जीवन में उचित नहीं है, अनुचित चीजें हैं, उनसे यदि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, निगृहीतानी सर्वशाह निगृहीतानी, सभी ओर से यदि आप पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। संस्कृत